मेरे भाई, इस वक्त हमारे हमको चाहिए कि हम सारे मुसलमानों से मोहब्बत करें, सारे दुनिया में इंसानों से मोहब्बत करें, और ताकि उनको जन्नत में ले जाएं। और हथियारबाजी चलाएंगे तो मुसलमान ही मरेंगे, आगे चलकर नोट करें आप, क्योंकि ये लोग अंधे हैं। अंधों पर वार मत करो, पहले तबलीग करो, मेरी बात पहुंचाओ अल्लाह वालों तक, और गौर व फिक्र करो, क्योंकि मैं अमन का बादशाह होने वाला हूं और मैं सारे जहां में अमन ही फैलाऊंगा। इसका मतलब ये नहीं कि जहाद मनसूख हो गया, कभी भी जहाद मनसूख नहीं हो सकता, कुरान की आयत भी मनसूख नहीं है, लेकिन हालात अल्लाह ताला मनसूख कर देंगे ऐसे जिसकी वजह से जहाद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मेरे भाइयों देखो, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला कैसी तेज़ बारिश कर दिए हैं माशाल्लाह से, ये मेरे अल्लाह का फजल है। जब भी मैं स्पीच देता हूँ कड़ाके से अल्लाह ताला बारिश दे देते हैं, नॉन सीज़न में भी हुआ है ऐसा। और नोट करें मेरे भाइयों, यहूदियों में से यानी जो इज़राइल के यहूदी, काफिर यहूदी बोल रहा हूँ मैं, यहूदी दो किस्म के हैं, एक काफिर यहूदी है, एक मोमिन यहूदी है। मुसलमान यहूदी हम लोग हैं, मैं भी एक यहूदी हूँ, क्योंकि मैं भी दाऊद अलैहिस्सलाम की नस्ल से हूँ और दाऊद अलैहिस्सलाम खुद जो है यहूदी हैं। लिहाजा इसका मतलब ये नहीं कि मैं इज़राइल अलैहिस्सलाम की नस्ल से होने के बावजूद मैं काफिर हूँ, नहीं, मैं यहूदी हूँ लेकिन काफिर नहीं, क्योंकि मैं मुसलमान हूँ, अहले सुन्नत जमात से हूँ। लिहाजा यहूदी जो काफिर यहूदी हैं इज़राइल के, उनमें मसीह दज्जाल आने वाला नहीं है। जो वो इंतज़ार में है तीसरी टेंपल बनाने के, वो टेंपल मस्जिद अक्सा ही है, मस्जिद अक्सा जो बन चुकी है ऑलरेडी, जहाँ पर मैं भी जाके इंशाल्लाह नमाज़ पढ़ूंगा, और उसका क़िबला खुद मक्का के में होगा, मक्का की तरफ है आज की डेट में, और वही बाकी रहेगा इंशाल्लाह। कभी भी यहूदियों की तमन्ना मैं पूरी होने नहीं दूंगा, काफिर यहूदियों की, कि उस मस्जिद को तोड़ा जाए। वो समझते क्या है बेवकूफ़, आखिर किसकी मस्जिद तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं वो? उस अल्लाह पाक की मस्जिद जो सुलेमान अलैहिस्सलाम के मालिक हैं। अल्लाह ताला ने जब ही कह दिया था कि अगर वहाँ पर मुशरिक आना हरकतें होंगी तो अल्लाह ताला वो मस्जिद को नेस्तनाबूद कर देगा। अरे मस्जिद तो सारी ज़मीन है हम मुसलमानों के लिए, लेकिन जहाँ पर अल्लाह की इबादत की जाती है उसको वो तोड़ना चाहता है। वो खादियानी ये कह रहा है कि लोगों का माइंड उधर पलटा रहा है ये कहकर कि देखो यहूदियों में से आएगा मसीह दज्जाल। अरे नादान इंसान, यहूदियों में से नहीं बल्कि मुसलमानों में से मसीह दज्जाल आने वाला था, और वो जमात अहमदिया मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी मसीह दज्जाल है। फिर उनका जैसा बानी एक होता है वही दज्जाल है, मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी, जो मर गया वो मरेगा ही लिखा हुआ है, उसकी तस्वीर बता बता कर उसके पैरोकार बैठ लेंगे ये भी लिखा हुआ है। लोगों को गुमराह कर रहा है, क्योंकि पूरा एक सिस्टम है, बेशक ये एक मसीह दज्जाल पूरा एक फिरौन जैसी डायनेस्टी का सिस्टम है, और यही जमात अहमदिया है, ये नोट करें। मेरे भाइयों गुमराह मत होना कि मसीह दज्जाल ना तो यहूदियों में से आने वाला है, अब ना कोई तीसरी टेंपल बनने वाली है। नोट करें, कसम है अल्लाह की, अगर कोई मस्जिद अक्सा की तरफ आंख भी उठाकर देखेगा ना, उसकी आंखें नोचवा दूंगा मैं इंशाल्लाह, क्योंकि वो अल्लाह पाक का घर है, और अल्लाह पाक का घर टूट कर वह दूसरे अल्लाह पाक को पैदा करने वाले हैं क्या? मसीह नई मस्जिद बना के बेवकूफ़ इंसान, वो नहीं जानते कि वही अल्लाह पाक की मस्जिद है जो सुलेमान अलैहिस्सलाम और दाऊद अलैहिस्सलाम का मालिक है, जो खुद मसीह का मालिक है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आ चुका हूँ, और वही मसीह दज्जाल मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी जमात अहमदिया, नोट करें पूरे आलिम, गौर करें मेरी बात को, वरना अच्छी बात नहीं होगी। और मसीह दज्जाल एक इम्तिहान था मुसलमानों के लिए कि वो अपना दावा पेश करेगा, लेकिन याद रखो वही मसीह दज्जाल के जो सारे निशानात हैं जमा करके मैंने यूट्यूब पर डाल रहे हैं, मैं डाल रहा हूँ और सारे वेबसाइट पर डाल रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह डाला भी हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह साबित है कि मसीह दज्जाल कोई और नहीं सिवाय जमात अहमदिया के, क्योंकि ऐसे निशानात कोई भी दूसरी जमात में नहीं पाए गए, नहीं पाए जाएंगे और नहीं पाए जा सकते, क्योंकि एक ही मसीह दज्जाल का वादा था। इसके अलावा जो छोटे छोटे दावेदार वो झूठे छोटे दज्जाल हैं, वो मसीह दज्जाल नहीं है, मसीह दज्जाल यही है, यही है, यही है फितने अजीम, इसके अलावा और कोई नहीं, अल्लाह पाक की कसम अल्हम्दुलिल्लाह। आपको यकीन दिलाने के लिए मैं वो मजहबी किताबों को आपको दिखा देता हूँ और उसके रेफरेंसेस भी पढ़वा देता हूँ, ज़रा गौर कर लें मेरी बात, और गौर से पढ़ना ज़रूरी, ज़रूरी तरीके से पढ़ना और पढ़ाना, और अपने सारे दोस्तों को और आलिमों को और जितने भी वहाँ पर मीडिया है पाकिस्तान में। मैं मानता हूँ कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा लोग एग्रेसिव हैं, इसीलिए मेरा मैसेज पाकिस्तान के लिए भी है, सऊदी के लिए भी है, इसराइल के लिए भी है, सारे वर्ल्ड के लिए है। और याद रखो मेरे भाइयों, वो किताबों को गौर कर फिक्र करके ख़रीद के ला कर सब लोग पढ़ो, तहकीक करो, और जो मैं डाला हूँ रेफरेंसेस लफ्ज़ ब लफ्ज़ गौर करके देखना कि वही मसीह दज्जाल जमात अहमदिया है या नहीं है। आपको सबूत मिलेगा तो हाँ में ही मिलेगा, ना का कोई चांस नहीं है। वो किताबें ये है, देखिए सही मुस्लिम, ये किताब जिल्द नंबर 6, ये किताब अबू दाऊद शरीफ जिल्द नंबर
3 पेज नंबर के साथ बता दूंगा, ये इब्ने माजा, ये बाइबल गुड न्यूज़, ये बाइबल टुडेज इंग्लिश वर्शन, इन किताबों में जिक्र है। गौर करें ज़रा, मैं आपको भी बता देता हूँ डायरेक्ट हदीस। देखो मेरे भाइयों, ये अबू दाऊद शरीफ वॉल्यूम नंबर 3, ये वो हदीस है, यहाँ पर लिखा है ये वाली जो आप पढ़ रहे हैं, ये वाली हदीस देखिए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक दज्जाल, ये रिजल मोमिन, और इसका तर्जुमा पढ़िए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई दज्जाल की खबर सुने तो चाहिए कि इससे किनारा पकड़े, खुदा की कसम इसके पास आदमी आएगा तो इसको यही गुमान करेगा कि वो मोमिन है, यानी मसीह दज्जाल मोमिन है समझेगा, वो खुद मोमिन नहीं रहेगा या रहेगा वो बात वाज़े नहीं है, और इसी का ताबे हो जाएगा, क्योंकि ताबे तभी होगा उसको मोमिन समझेगा वो, ये तभी तो ताबे होगा ना, इसके लिए इसके पास शुभे की चीज़ें हैं। ये पेज नंबर 337 मुतरजिम उर्दू, ये लिखे वाले का नाम हज़रत अलामा वहीदुज़्ज़मा, ये है। आपने देख लिया, अब बताइए कि मसीह दज्जाल के पास जो आएगा वो मोमिन रहेगा या मसीह दज्जाल को मोमिन तस्लीम करेगा या समझेगा? मसीह दज्जाल को मोमिन समझेगा, मोमिन समझेगा क्योंकि वो मोमिन नजर आएगा। मोमिन नजर आने की शर्त ये है कि वो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता हो, मोहम्मद रसूलल्लाह पढ़ता हो, और मिर्ज़ा गुलाम अहमद क़ादियानी के जो बड़े बड़े जो इस वक्त खलीफा हैं उनको देखिए, जब स्पीच देने ठहर जाते हैं तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 15 मिनट में बोलते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम 15 मिनट लगा देते हैं बोलने के लिए, या कुछ कम, मेरा बोलने का अंदाज़ यह है कि देर लगा देते हैं, या फिर ठहरता है उनका कोई तो दुरूद शरीफ पढ़ता है इतना लंबा कि लोग अदब में आ जाते हैं एकदम, क्या बात कर रहे हैं भाई, इनका क्या चेहरा तो देखो, क्या दाढ़ी है, इनका अमामा देखो, यहाँ पे तो अल्लाह और रसूल की बात हो रही है, खसमें खाए जा रही है, कह रहे हैं कि अल्लाह के वास्ते जान दे देंगे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन दुनिया को उम्मत तक पहुँचाने के लिए अपनी जान दे देंगे। हाँ बेटा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सारा चलो 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 जल्दी चलो, अल्लाह का काम कर दो, डिस्टर्ब नहीं करना, चलो तकलीफ दे। और अंदाज बयां ऐसा है, ऐसी इनकी जबान है, इनका गोया मुंह है के ढाले हैं, लोग समझ गए कि मसीह दज्जाल के जो पैरोकार होंगे उनके मुंह चमटे चपटे होंगे, चपटे चपटे बिल्कुल जैसा एक डिफेंसिव एक डिफेक्ट यानी प्रोटेक्टिव एक वेपन होता है ढाल, वो समझ गए। अरे भाई वो नहीं, इसके माने यह है लफाजी, मुंह है कि इनकी ढाल है, मुंह अगर लफाजी ना होती तो ये मसीह दज्जाल कमबख्त ना जीतते, अगर इनकी लफाजी ना होती तो ये कभी भी कामयाब ना होते, यही मसीह दज्जाल की लफाजियों में फंस जाओ, इनसे पूछो कि मिर्ज़ा गुलाम अहमद क़ादियानी साहब ने हज किया था तो कहेंगे क्या बात करते हैं आप, मिर्ज़ा गुलाम अहमद क़ादियानी तो हज के लिए निकले थे, बस जा ही रहे थे, रस्ते में लोग तलवार लेके बैठे, तो बताइए दाऊद अलैहिस्सलाम ने हज किया था क्या, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हज किया था क्या, इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो खैर किए थे कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन क्या उन्होंने मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लम को हज से नहीं रोका गया, क्या आपको मालूम नहीं कि हज को जाने के लिए क्या चीज़ों की शरायत की ज़रूरत है, आपको मालूम नहीं अगर एक बार माँ बाप के चेहरे को देख लें तो कितने हज का सवाब मिलता है, क्या हज बदल नहीं कर रहे हैं आज हम लोग, कई 10,000 तो हज बदल हो चुके हैं उनके बारे में, क्या बात कर रहे हैं आप, उनके बेटे जो मिर्ज़ा महमूद बशीर थे वो कितने ज़बरदस्त हाजी थे मालूम है आपको, हो गई लफाजी, अगर ये लफाजी ना होती तो कमबख्त मसीह दज्जाल ना जीतता, आप जो असल सवाल लेकर बैठे थे वहाँ पे वो भूल जाएंगे, वो भूल जाएंगे सवाल, नोट करें आप। और मेरे भाइयों, यही वो मसीह दज्जाल है जमात अहमदिया जो आज दुनिया शक में पड़ गई है, और सबके सब आलिम भी उनकी गा रहे हैं इनडायरेक्टली, ये तो कह रहे हैं कि मसीह दज्जाल मिर्ज़ा गुलाम अहमद क़ादियानी काफिर है, लेकिन मसीह दज्जाल है नहीं कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हाँ हाँ वो ईसाई मिशनरीज़ ही हैं, वो ईसाई हजरात ही हैं जो वाकई काना दज्जाल है, जिसने जहाज़ों के ज़रिए जिसने आगों की बारिश कर दी है, जिसने इराक़ पे ईरान पे इतना बड़ा जुल्म किया, ये बात बिल्कुल झूठ है, हाँ में हाँ मिला रहे हैं मसीह दज्जाल के सब आलिम, भूल गए सच्ची हदीसें, क्या अल्लाह ताला मोहताज था कि 900 बिल्ला के सच्ची हदीसों को पूरा ना करता, नादानो सच्ची हदीसों से मैं साबित कर रहा हूँ कि मसीह दज्जाल जमात अहमदिया है, क्योंकि मेरा ज़हूर भी वहीं पर हुआ है, उसी ने सफ़ेद मीनारा बनाया था, इसके बारे में आपको बताऊँगा, मैं पहले हदीस से वचन बता देता हूँ और आपको, ये है सही मुस्लिम,
नूरी क्या नाम है, किसका तर्जुमा है, क्या है, देख लें आप। वॉल्यूम नंबर 6, ठीक है, हजरत अल्लामा वहीदुज़्ज़मा, ठीक है, ये देखिए हदीद शरीफ पेज नंबर 464, यहाँ पर लिखा है यखरुदु जजाल फी उम्मती। देखिए उम्मती के लफ्ज़ हैं, यहाँ पर ज़रा गौर करें, पेज नंबर 464 सही मुस्लिम, यहाँ पे फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल मेरी उम्मत में निकलेगा, ज़रा गौर करें, मेरी उम्मत में निकलेगा, ज़रा आप गौर करिए, और ये 40 दिन तक रहेगा, ये एक सिंबॉलिक है, इसका माने कुछ और हैं, यानी वक्त सेकंड में हो जाएगा, यानी जैसे आज तरक्की करके सालों का काम हफ्तों में, हफ्तों का काम घंटों में, घंटों का काम सेकंड्स में हो रहा है, वैसा इसके माने हैं कि मसीह दज्जाल मेरी उम्मत में से निकलेगा। यहाँ पर गौर करें ज़रा, ये माने बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मसीह दज्जाल के अलावा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत में 73 फ़िरके होंगे, मेरी उम्मत में, यानी नबी अपनी उम्मत में बता रहे हैं कि मेरी उम्मत कैसे हलाक होगी, जिसके अव्वल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद हैं और आखिर मसीह ईसा इबन मरियम यानी होली स्पिरिट। मेरी बात ज़रा गौर करें मेरे भाइयों, मसीह दज्जाल मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी ही, और नोट करें अभी मैं बताता हूँ आपको, और ये बाइबल है, यहाँ पर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में फरमा दिया है कि नूह अलैहिस्सलाम से लेकर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक कोई नबी ऐसे नहीं गुजरे जिन्होंने मसीह दज्जाल के बारे में ना बताया हो, लिहाजा उसके खातिल के बारे में बता दिया गया था, लिहाजा ईसा अलैहिस्सलाम ने भी मसीह दज्जाल के बारे में बताया है, नूह अलैहिस्सलाम ने भी बताया है मसीह दज्जाल के बारे में। पता ये चला कि मसीह दज्जाल ही को साइक्लोप्स कहते हैं ग्रीस की प्रोफेसिस में, जिसे मैथोलॉजी का नाम दे दिया गया, यानी पेशोगोइयों को मैथोलॉजी का नाम दे दिया गया, क्योंकि वो पूरे के पूरे इशारे हैं सिम्बॉलिक। लेकिन याद रखें मसीह दज्जाल का जिक्र आपको इंजील में मिलेगा चैप्टर नंबर 13 रेवेलेशन में, जो कि यूहन्ना के मुकाशफा यानी रेवेलेशन ऑफ जॉन, जबकि जॉन नबी नहीं थे, वो हवारी थे ईसा अलैहिस्सलाम के। पता ये चलता है मेरी तहकीक के बाद कि जॉन ने खुद ईसा अलैहिस्सलाम की जो छुपी हुई पेशगोईयां छुटी हुई थी, रखी हुई थी, उन्होंने अपने नाम से मंसूब कर दिया है, और वह हकीकत में ईसा अलैहिस्सलाम की पेशगोई थी। लेकिन उससे पहले आप ओल्ड टेस्टामेंट देख लें मेरे भाइयों, ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ वो चैप्टर, ये है मसीह दज्जाल के बारे में, 2 यसदास चैप्टर नंबर 11, यहाँ पर ईगल का विजन, इसके अंदर खुला लिखा हुआ है कि मसीह दज्जाल का जब चौथा खलीफा आएगा, देखिए यहाँ पर, यू आर द ओनली वन लेफ्ट ऑफ फोर एनिमल्स डेट आई अपॉइंटेड टू गवर्न, यहाँ पर लिखा हुआ है डिसीट, यहाँ पर लिखा हुआ है ऑफुल क्लासेस, यानी पूरी एक जमात होगी, और छठा इसमें आखिरी होगा, यही मसीह दज्जाल का जिक्र यहाँ पर है, और यहाँ पर मसीहा के जहूर की जगह का भी लिखा हुआ है आउट ऑफ द सी, ये देखिए केम आउट ऑफ द सी चैप्टर नंबर 13 वर्स नंबर 52, यही जगह आपको अभी मैं बताऊंगा, सिर्फ 5 सेकंड वेट करिए, अभी बताता हूँ। ये है यूहन्ना के मुकाशफा चैप्टर नंबर 13 13वां, वहाँ पे भी 13वां है, 2 यसदास में, यहाँ पर भी 13वां नोट करें, यहाँ पर लिखा हुआ है कि मसीह दज्जाल का पूरा एक बीस रहेगा जो इमेज बनाएगा उसका, यानी उसकी तस्वीर बन जाएंगे, ये इस चैप्टर में है उसका जिक्र पूरा। अभी आपको बात समझ में आई, यहाँ पर गौर करें, द बीस्ट टोल्ड देम टू बिल्ड एन इमेज इन ऑनर ऑफ द बीस्ट डेट हैड बीन वुंडेड बाय द स्वॉर्ड, यहाँ पर लिखा है खुली तरीके से कि मसीह दज्जाल पूरा एक सिस्टम रहेगा, उसमें खिलाफत रहेगी, और यही आपको पिछली किताब में भी आया है कि उसकी खिलाफत का जिक्र मौजूद है, और हदीस में भी आया है कि मसीह दज्जाल नमक की तरह घुल जाएगा, जैसे पानी में घुलता है, जब असली मसीहा को देखेगा, यानी पता चला पार्लियामेंट जैसे डिसॉल्व होती है वैसे मसीह दज्जाल डिसॉल्व होगा पूरी एक जमात। और कंटिन्यूएशन है, कंटिन्यू देखते रहिए। ये किताब है सुनिन इब्ने माजा, वॉल्यूम नंबर 3 सुवम, देखिए पेज नंबर 488 वॉल्यूम नंबर 3 इब्ने माजा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि मसीह दज्जाल जो है नबी होने का दावा करेगा, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी, वो कहेगा कि मैं नबी हूँ। गौर करें यहाँ पे भी नबी के लफ्ज़ हैं और यहाँ पे भी नबी के लफ्ज़ हैं। मेरे भाइयों कोई ये मजाक नहीं है, क्या बुश ने नबी नबूवत का दावा किया? क्या आप लोग कह रहे हैं सिस्टम मुआशरे का, क्या बैंकों ने नबी होने का दावा किया, रसूल होने का दावा किया, मसीहा होने का दावा किया? ऐ नादानो, ऐ लोगो जो अल्लाह के नबी पर ईमान पूरे नहीं रखते, उनकी पेशियों को नहीं समझे, तो जिस पे चाहे उस पर आप थोप देंगे क्या, उठा के
मसीह दज्जाल के निशानात। ये तो मैंने अभी आपको थोड़े से बताए हैं, सिर्फ थोड़े से। अभी ग्रीस में भी लिखा है कि मसीह दज्जाल को साइक्लोप कहा गया है, मसीह दज्जाल को पारसियों में अंग्रामेनियू कहा गया है, रात का देवता जो बिल्कुल एक लड़की की शक्ल बताई गई है, यानी वो अपने अंदाज से लुभाएगी सबको और सबका फितना बर्पा कर देगी दुनिया का। इसके माने ये हैं मेरे भाइयों, अभी तो मैंने सिर्फ आपको तीन निशान बताए हैं मसीह दज्जाल के किताबों से, उसके अगर मिला के देख ले तो 10-12 निशान आपके पास जमा हो जाएंगे। और याद रखें कि मसीह दज्जाल कोई सिस्टम या कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या कोई टेलीविज़न या कोई तरक्की याफ्ता मुल्क या कहीं का लीडर वो हरगिज़ नहीं है, बल्कि मसीह दज्जाल। मैं मानता हूँ कहने वालों ने मसीह दज्जाल यानी एंटीक्राइस्ट 666 नीरो को भी कहा बादशाह को रोमन के, ये बिल्कुल गलत बात है मेरे भाइयों। मसीह दज्जाल जो है एक 666 आदाद वाला जो है वो फर्स्ट बीस्ट कहा गया है रेवलेशन में, जिसके नाम में 6 और 6